सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर जितने भी टेक्स्ट दिए हुए हैं, अगर हमें सबकी डायरेक्शन एक साथ चेंज करनी है तो हम कैसे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने छोटी सी टेबल क्रिएट की हुई है। अब अगर इस सारे टेक्स्ट की डायरेक्शन हमें चेंज करनी तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए प्लस का साइन यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी पूरी टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आप टेबल के बीच में कहीं पर भी अपना कर्सर ले जाकर के राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ये देखिए शो हो रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। हमें क्लिक करना है टेक्स्ट डायरेक्शन भी, ये रहा टेक्स्ट डायरेक्शन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको ये तीन ऑप्शन दे रहा है, इस तरह से मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें ये वाली डायरेक्शन चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया और नीचे से ओके बटन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे पूरे टेबल में जितने भी टेक्स्ट थे सबकी जो है डायरेक्शन वो है जो है वो चेंज हो गई। ठीक है,